हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ क्लीनिंग बिफोर वेल्डिंग के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि वेल्डिंग चैप्टर का एक्सरसाइज 3 का ही पार्ट है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 और 2 के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं। जो कोई मिस कर गए हैं वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपसे मिस ना हो। मैं हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लाते रहता हूँ। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1150, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल क्लीनिंग बिफोर वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग से पहले रासायनिक सफाई का उदाहरण है? ऑप्शन ए किरोसिन, ऑप्शन बी पाराफिन थिनर, ऑप्शन सी टर्पेंटाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। वेल्डिंग से पहले जो केमिकल यूज होते हैं मेटल को साफ करने के लिए, वो ये सारे होते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी, ये सारे एग्जांपल होते हैं केमिकल क्लीनिंग में। क्वेश्चन नंबर 1151, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल क्लीनिंग बिफोर वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग से पहले यांत्रिक सफाई का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए वायर ब्रशिंग, ऑप्शन बी ग्राइंडिंग, ऑप्शन सी सैंड ब्लास्टिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। वेल्डिंग से पहले कोई भी जॉब को सफाई किया जाता है, जिसमें वायर ब्रश, ग्राइंडिंग, सैंड ब्लास्टिंग, ये सारे चीज मैकेनिकल क्लीनिंग के एग्जाम्पल होते हैं। यानी आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1152, द साइज ऑफ द नोजल इज डिटरमाइंड बाय द डायमीटर ऑफ इट्स। द साइज ऑफ द नोजल इज डिटरमाइंड बाय द डायमीटर ऑफ इट्स डैश। नोजल का आकार इसके डैश के व्यास से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए होस पाइप, ऑप्शन बी ओरिफाइस, ऑप्शन सी नोजल रिंग, ऑप्शन डी नोजल कैप। जो नोजल साइज होता है वो डिटरमाइन होता है, यानी निर्धारित होता है उसके ओरिफाइस से। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1153, सिलेक्शन ऑफ नोजल साइज इज अकॉर्डिंग टू द। नोजल आकार का चयन डैश के अनुसार होता है। ऑप्शन ए थिकनेस ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड, ऑप्शन बी मास ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड, ऑप्शन सी काइंड ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नोजल साइज सिलेक्शन करने के लिए जो एक चीज निर्धारित होता है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर? गेस कीजिए आंसर। आंसर होगा ये सारे। उसका थिकनेस क्या होगा, उसका मास कितना होगा और कोज किस प्रकार का मेटल होगा, ये सारे चीज डिपेंड करता है नोजल साइज सिलेक्शन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1154, व्हाट इज द नोजल साइज रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग ए सीट ऑफ थिकनेस ऑफ 0.8 mm। 0.8 mm की मोटाई वाली सीट को वेल्डिंग के लिए आवश्यक नोजल आकार क्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। जो 0.8 mm का थिकनेस होगा उसको वेल्ड करने के लिए जो नोजल साइज होगा वो होगा 1, सबसे छोटा। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1155, व्हाट इज द नोजल साइज रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग ए सीट ऑफ थिकनेस ऑफ 6.5 mm। 6.5 mm मोटाई की सीट को वेल्डिंग करने के लिए आवश्यक नोजल आकार क्या है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 55। 6.5 वाले स्टील सीट को वेल्डिंग करने के लिए जो नोजल होगा वो होगा 18। आंसर इज ऑप्शन बी।
ये कुछ एग्जाम्पल है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। यहाँ पर सारा दिया गया है, कौन से नोजल साइज और प्लेट थिकनेस क्या होगा और एसिटिलीन प्रेशर क्या होगा। देखिए, ये नोजल साइज 1 है, उसका प्लेट थिकनेस 0.8 होगा, जिस तरह पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक उसी तरह और एक है 6.5। देखिए 6.5 mm प्लेट थिकनेस, नोजल साइज 18, गैस प्रेशर क्या रहेगा 0.20। इसी हिसाब से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये सारा एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1156। द जॉइनिंग एजेस और द सरफेस ऑफ सिमिलर मेटल व्हेन हीटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट बिकम फ्लूइड फ्लो टुगेदर एंड मेक ए होमोजीनियस बॉन्ड व्हेन कूल्ड और फ्रोजन इज कॉल्ड। पिघलने बिंदु तक गर्म होने पर जुड़ने वाले किनारे या समान धातु की सतह द्रव बन जाती है, एक साथ प्रवाहित होती है और ठंडा या जमे होने पर एक सजातीय बंधन बनाती है, जिसे डिस्क के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मोल्टन पोल, ऑप्शन बी पेनिट्रेशन, ऑप्शन सी फ्यूजन, ऑप्शन बी ऑप्शन डी बॉन्डिंग। आंसर इज ऑप्शन सी फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 1157। द पोल ऑफ मोल्टन मेटल फॉर्म्ड ऑन द जॉब ड्यूरिंग फ्यूजन वेल्डिंग इज कॉल्ड। फ्यूजन वेल्डिंग के दौरान काम पर गठित पिघले हुए धातु के पोल को डेस कहा जाता है। ऑप्शन ए मोल्टन पोल, ऑप्शन बी पेनिट्रेशन, ऑप्शन सी फ्यूजन, ऑप्शन डी बॉन्डिंग। कैस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए मोल्टन पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1158। द डेप्थ ऑफ फ्यूजन ऑफ ए वेल्ड इन द जॉब और द जॉइंट सरफेस इज कॉल्ड। काम का टुकड़ा या संयुक्त सतह में एक वेल्ड के संलयन की गहराई को डेस कहा जाता है। ऑप्शन ए मोल्टन पोल, ऑप्शन बी पेनिट्रेशन, ऑप्शन सी फ्यूजन, ऑप्शन डी बॉन्डिंग। जो एक मान लीजिए एक ये जॉब है, यहाँ पर एक वेल्ड किया गया है, ये कितना अंदर गया है, इस डेप्थ को क्या कहते हैं? गेस कीजिए आंसर। आंसर होगा ऑप्शन बी पेनिट्रेशन। कितना अंदर तक गया है उसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1159। वेल्डिंग ब्लो पाइप इज मेड ऑफ डैश। वेल्डिंग ब्लो पाइप डैश से बना है। ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी लीड, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी कॉपर। जो ब्लो पाइप होते हैं वो कॉपर से बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। टंगस्टन तो नहीं होगा, लीड भी नहीं होगा, स्टेनलेस स्टील भी नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं, आप पूरा देखिए, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।